आपको मैं मेहमानों की तरफ ले चलूंगा, पहले ये जरा देख लीजिए दहल उठा लुधियाना। तो क्या क्या बातें सामने आई और किन के जवाब अब लिए जाने आवश्यक है। लुधियाना का ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 6 मंजिल की ये नई इमारत है और दोपहर में 11 से 12 के बीच में किसी वक्त ये दूसरी मंजिल पर धमाका होता है। जब ये धमाका होता है तो पहले खबर आती है कि एक की मौत हुई और 5 घायल, और बाद में ये पता चलता है कि 2 की मौत हुई है और 4 जख्मी हैं। बाद में कमिश्नर भी कहते हैं और खुद सीएम कहते हैं कि 1 की मौत हुई है और 5 जख्मी हुए हैं। मतलब इसमें ऑफिशियल वर्जन जो है और जो सोर्सेस पुख्ता तौर से बता रहे हैं उसमें एक फर्क देखने को मिल रहा है। बहरहाल ऑफिशियल वर्जन के साथ अगर जाएं तो 1 और 5, 1 कैजुअलिटी, 5 लोग जख्मी। फिदायिन हमले की आशंका इसलिए क्योंकि जहां पर यह ब्लास्ट हुआ वहां पर एक बॉडी ऐसे पाई गई जैसे उसने अपने शरीर से विस्फोटक बांध रखा था या उसने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पकड़ा हुआ था वो विस्फोटक, शायद असेंबल करने की कोशिश हो रही थी। तो या तो असेंबल करके डेटोनेट करने के लिए किसी और जगह रखा जाना था, प्रोसेस में वो बम वहीं एक्सप्लोड कर गया, या फिर ये फिदायिन धमाका था, उसने वहां जाकर खुद को जानबूझकर ब्लो ऑफ किया। आप देखिए खिड़कियों के शीशे, नीचे खड़ी गाड़ियों के शीशे चटके, पेड़ों से पत्ते अचानक पूरे नीचे आ गए और पूरी गाड़ियों में ऊपर बिखरे हुए थे। आप अंदाजा लगाएं कि दूसरी या तीसरी मंजिल में धमाका होने पर उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत, उसकी तीव्रता इतनी कि नीचे धमाके का असर शीशों के बिखराव के तौर पर, पत्तों के झड़ जाने के तौर पर दिखाई देता है। अंदाजा लगा सकते हैं आप ढही हुई दीवारों को देखकर कि ये कितनी इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। पूरे शहर में हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है, ना सिर्फ पूरे शहर में बल्कि पूरे सूबे में हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि वहां जो दरवाजे थे, 12 दरवाजों में से सिर्फ 2 में मेटल डिटेक्टर्स काम क्यों कर रहे थे जब थ्रेट परसेप्शन इतना बड़ा था? क्या इनपुट्स मिलने के बाद वक्त रहते सही कदम उठाए गए? अगर नहीं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। हड़ताल की वजह से शुक्र है कि आज वकील कम पहुंचे थे प्रिमाइसिस में, वरना इससे बड़ा नुकसान होता दिखाई देता। मैं अपने खास मेहमानों की तरफ चलूंगा, वो मेहमान जिनके साथ पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रही हैं। गुरदीप सप्पल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हरीश ढांडा अकाली दल के नेता हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। मेजर जनरल GD बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और कुछ ही देर में आपको हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए दिखाई देंगे। कुलदीप खोड़ा साहब जुड़ रहे हैं, DGP रहे हैं JNK के, तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि बॉर्डरिंग एरियाज में किस तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, कुछ और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो आज पूरे दिन जहन में कौनती रहीं, ये तस्वीरें जो लगातार कुछ सवाल पूछ रही हैं। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट होता है, कोर्ट की दीवार ढहती है, धमाके में 2 की मौत की खबर आती है, हालांकि ऑफिशियली 1 की मौत के बारे में बताया जाता है। पुलिस कमिश्नर यहां पहुंचते हैं, पंजाब के गृहमंत्री यहां पहुंचते हैं, CM चन्नी भी यहां पहुंचते हैं, NIA की टीम, 2 टीमें यहां पहुंचाई जाती है, NSG की टीम, 1 टीम भी इस काम को अपने हाथ में लेती है, फोरेंसिक जांच और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहले ही पहुंचकर अपना काम कर रहा है, केंद्र सरकार ने इस बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है, फिदायिन हमले की आशंका जताई जा रही है दिल्ली से, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये 2 बड़ी एजेंसियां अपने हाथ में टास्क ले रही हैं, एक वो जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और दूसरी NSG, वो दोनों ही एंटी टेरर ऑपरेशंस को और उसके इन्वेस्टिगेशंस को अंजाम देने के लिए सुप्रीम एजेंसीज मानी जाती हैं और हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है। कोर्ट्स की सुरक्षा का ये बड़ा सेंसिटिव इशू है बॉर्डरिंग स्टेट में, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिविटी के लिहाज से लेवल नेक्स्ट में है और वहाँ ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको लेकर पहले ही ज़्यादा सतर्कता होनी चाहिए थी। इस घटना से जुड़ी हुई चीज़ें सबसे पहले ये देखता हूँ मैं अपने मेहमानों के पास जाकर कि उनके दिमाग में एक बरगी क्या बात आती है। शाजिया आलमी, जब ये घटना आपको पता चली, आपके दिमाग में क्या क्या आया? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी ये बहुत ही एक ज़बरदस्त ख़तरे की अलामत है और अलामत से बढ़कर है, और ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सरहदें हैं उसमें ज़्यादा हिफाजत की ना सिर्फ ज़रूरत है लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फिदायिन हमले की जो बात आ रही है उससे साफ जाहिर है, क्योंकि इस तरह की बात कभी पहले हुई नहीं कि ये एक
अभी इसकी पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन NSG की मौजूदगी और NIA की मौजूदगी साफ दर्शाती है कि ये एक बहुत ही संगीन और गंभीर मामला है। मैं ये बहुत ही फिक्र के साथ कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही सीरियस घटना है और इसको हमें बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से और संजीदगी से इसको लेने की ज़रूरत है और इस वाकई में बहुत ही प्राइमरली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप सबके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आए। गुरदीप सप्पल जी, ये जो घटना घटी है ये निश्चित तौर पे काफी चिंताजनक है, और लगातार पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, उसकी सुरक्षा के ऊपर हमेशा एक खास ध्यान रहता है, और लगातार वहाँ घटनाएं अब ऐसी हो रही हैं कि चुनाव के मौके पर कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा कर सकें जिसमें कि देश और राज्य दोनों कमजोर होते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो पंजाब सरकार है और भारत सरकार है दोनों ने सर्वोच्च चिंता जताते हुए इसको एक आतंकी घटना की तरह मानते हुए इसकी जांच शुरू की है, और ऐसी घटनाएं नहीं हो इस पे दोनों सरकारों का पूरा ध्यान अब भविष्य में भी रहना है, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं और कोई भी ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए जिससे कि भारत को और पंजाब को कमजोर किया जा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।